पार्वती जी से कहते हैं, श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर आतुर अधीर हो रहे हैं। इतने में ही सब सुंदर शगुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सबके सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है, इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे, प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। ये सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ, क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए, प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। हाँ, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरण बिंदु के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण नहीं मानते, वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे सगुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था, उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल बहाते उसके आसन पर बैठे देखा। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले, जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं, देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहां से आए हो जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए।
हनुमान जी ने कहा, हे कृपानिधान सुनिए, मैं पवन पुत्र और जाति का बानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। ये सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें मैं क्या दूं? इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने विचार कर देख लिया, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करो। सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकित तन चरणनि पर्यो। रघुबीर निज मुख जासु गुन गन, कहत अग जगनाथ जो। काहे न होई विनीति परम, पुनीत सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों में गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममता, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी हरस हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री रामचंद्र जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। ये सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरुनाई तुरत गयो कपि राम बही, कही कुशल सब जाई, हरषि चले प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में से नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। बोलिए क्या कति रामचंद्र की, सुत हनुमान की।